नेक्स्ट मैच असेल मोर्चा आणि हनुमान पॉइंट। मोर्चा आणि हनुमान पॉइंट वेलकम बैक सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोन्ही टीमला विनंती करतो आपला एक जाना खेळाडू आमच्या समालोचक कक्षामध्ये पाठवायचा आहे, विनंती आहे। दोन्ही संघ आपला एक एक जाना खेळाडू आमच्या समालोचक कक्षामध्ये विनाविलंब पाठवायचा आहे। इच्छापूर्ती आपला एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्या समालोचक कक्षामध्ये पाठवा इच्छापूर्ती संघ। इच्छापूर्ती एक प्रतिनिधी पाठवायचा लवकरात लवकर, स्कोरिंग थांबली आहे। मनोज आणि कपिल सलामीची जोडी मैदानामध्ये। पहिलाच बॉल खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलाय, गॅप मध्ये गेलाय बॉल वेगानं, तिथे खूप चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली। बॉलला स्टॉप केलं, पहिल्या बॉलवर पहिली सिंगल, अधोरेखित होती धावफलकावर। धावफलकाची सुरुवात श्री गणेश आपण म्हणू शकतो, धावफलका जर होत असताना पहिल्या चेंडूवर गणेश गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे। षटक जर आपण पाहिलं तर क्रमांक एक चा प्रगती पथावर, चार ओव्हरची मॅच या पहिल्या राऊंड मधले, पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच ती आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। चांगला बॉल अगदी खोल्या टप्प्यावर पिच केला, तिथे खेळल्या बरोबर धावलेत, त्यामुळे एक सिंगल ती रोखता येणार नाहीये। एकच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ होतीये, धावसंख्या दोन या आकड्यावर। चांगल्या गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक इथे जरूर पाहायला मिळते। फुल्लर लेन इज द बेस्ट वेपन असं म्हटलं जातं आणि त्या फुल्लर लेनचं अस्त्र इथे गोलंदाज वापरत असताना फलंदाजाला बंदिस्त करण्याचं काम करतोय। पुढचा बॉल इथे लोअर फुल टॉस बॉल होता ऑन साइडला बिटवीन द गॅप, बॉल चाललाय मिड विकेट सी मारेशला क्लिअर करत, सी मारेखा पार चौकार मध्ये कन्वर्ट झालाय, रन्स मिळतील चार। तीन चेंडूचा खेळ, त्यानंतर एक चांगला स्ट्रोक इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय चौकाराच्या मदतीनं। धावसंख्येमध्ये वाढ असताना धावसंख्या सहावर, तीन चेंडूचा खेळ, त्यानंतर सहा धावा धाफलकावर आहेत, अजूनही तीन चेंडूचा खेळ शेष आहे। यावेळेस मात्र बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह होता, तिथे झेल घेण्याचा प्रयत्न फसला गेला। बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा खूप जास्त संभावना असते की तुमचा कॅच तिथं फॉलो थ्रू मध्ये पकडला जातो, आणि इथे जर आपण पाहिलं तर वेगवान त्याने बॉल हे होता, त्यामुळे कॅरी करणं थोडंसं कठीण झालं गोलंदाजाकरता। जीवनदान मिळालंय, रन मिळते, रनच्या बरोबर धावसंख्येत वाढ होती, धावसंख्या जाऊन पुस्ती एकंदर सात या आकड्यावर। यावेळेस चांगली फिल्डिंग, बॉलला स्टॉप केलं जाईल। आपण पाहताय मॉर्निंग क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं आयोजित जव्हार चषक 2024 या स्पर्धेचं हे शानदार आयोजन, जव्हार शहरी क्रिकेट असोसिएशनच्या अंतर्गत खेळली जाणारी ही स्पर्धा, या स्पर्धेतील आजचा पहिला दिवस। यावेळेस बॉलला आतल्या साईडच्या कडेला लागला, तिथे विकेटच्या मागे फाईन लेग मध्ये चाललाय, मात्र बॉलला जोपर्यंत थांबवलं गेलं एक ला इथे दोन मध्ये कन्वर्ट केलं, दोनच्या बरतीनं धावसंख्या जाऊन पोचते ती एकेरीकडनं दुहेरीकडे दहा या आकड्यावर। पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय, पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्ती, एकेरीस विदाऊट लॉस 10 रन्स ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळते। पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना टीम इच्छापूर्ती, मंगेश इलेवन नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फिल्डिंग करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। इच्छापूर्ती आणि मंगेश इलेवन या दोन टीममध्ये सध्या संघर्ष, ही बॅटल, ही फाईट आपण सर्वच जण अनुभवतो। यानंतर दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होईल, दुसऱ्या फेरीमध्ये पहिली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल टीम हनुमान पॉइंट। मोर्चा आणि
अनबान पॉइंट या दोन टीम मध्ये यानंतरची मॅच पहिल्या चार ओव्हर नंतर दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्याला टॉस करण्याकरता टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हायचे. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण संपर्क साधायचे. सचिन गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर ओव्हर नंबर दोन करता गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. जबाबदारी आहे अगदी नावाप्रमाणे नंबर त्याच्या जर्सीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 नंबरची जर्सी त्यानं परिधान केली आहे. चला गेम थोडासा स्पीडअप ठेवायचा आहे. पहिल्या राऊंडची मॅच तुम्ही खेळताय, उशीर झालाय तुम्हाला ठाऊक आहे, मग तरी सुद्धा वेळ काढूपणाचं धोरण जर स्वीकारलं तर ते क्रिकेटला अनुसरून नसेल. ऑन साईडला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं, जोपर्यंत फील्ड केलं एक रन मध्ये चेंडू कन्वर्ट होईल. चांगल्या फिल्डिंगचं प्रदर्शन तिथे पाहायला मिळालं. एकच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या 11 पहिला दिवस आहे या स्पर्धेचा. जवार चषकचा अगदी जी काही मेहनत या स्पर्धेकरता घेतली गेली आहे ती तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये जरूर पाहू शकता. या मैदानाची पुनरुभारणी असं म्हणू शकतो आपण, कारण अगदी दुरावस्था झाली होती या मैदानाची, ती पूर्ववत केली आहे या स्पर्धेच्या निमित्तानं. पुढचा बॉल रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, यावेळेस फटका चांगला सजवलाय, बॉल थांबू शकतो फक्त प्रेक्षकांमध्ये. चेंडू सीमारेषा पार, कन्वर्ट झालाय 4 धावांमध्ये. इथे मिळतोय चौकार. अगदी उजवाष्टीच्या बाहेर जागा दिली होती, तिथे बॉडीला स्विच केलं आणि त्यानंतर हा स्वीट हिट आपल्याला पाहायला मिळाला. चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ होती. धावसंख्या पुढे सरकत असताना 15 या आकड्यावर सुस्थिती आहे. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना टीम इच्छापूर्ती. इथे चेंडूला सोडून देण्यात योग्य संबोधलं आणि तिथे व्हाईटचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून. व्हाईटच्या बरोबर धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या 16. तुम्ही कुठला बॉल सोडून द्यायचा, कुठला बॉल बॅटमध्ये घ्यायचा हे तुम्हाला जर ठाऊक असेल तर मग तिथे एक्स्ट्राच्या स्वरूपाच्या रन त्या तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने जोडता येतात. इथे जर आपण पाहिलं तर थोडासा डाव्या एसटीवर उभा होता आणि तिकडनं बॉल सोडून देणं योग्य संबोधलं. यावेळेस मात्र गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहे. डीपमध्ये जोपर्यंत बॉलवर येईल एक सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याची संधी. चांगली रणबुटीन विकेट इथे पाहायला मिळते. विकेटच्या मध्ये अगदी चांगलं कॉलिंग आणि तेवढीच वेगवानता धावांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. 2 रनच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ होती. या धावसंख्या पुढे सरकत असताना जाऊन पोचते ती 18. आक्रमण गरज आहे आणि ते आक्रमण सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. ऑन साईडला चांगला प्रहार आहे, मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये खेळलाय. पहिला विकेटचं बदन, पहिला हादरा इच्छापूर्ती संघाला. पहिला फलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने धावा जोडत होता, फलंदाज मनोज तंबूच्या असलेला परत. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करण्याकरता बाबू नंबर 3 वर आलाय. सुरुवात चांगली मिळाली या टीमला. जर आपण विचार केला तर आतापर्यंत या ओव्हरमधले एकंदर 4 चेंडूचा खेळ झालाय. धावसंख्या धावफलकावर 18 आहे, म्हणजे सुस्थिती आहे सध्यापर्यंत इच्छापूर्ती संघाची. आल्या आल्या बाबून ऑन साईडला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न केला. क्रॉस बॅटर स्ट्रोक तिथे खेळला गेलाय. एक सिंगलमध्ये चेंडू कन्वर्ट झाला, दुसऱ्या करता दोघांमधला योग्य कॉलिंग नाही. हा ना मध्ये ही रन थांबली तेच योग्य ठरलं, अन्यथा ही रन घेण्याचा प्रयत्न केला असता तर तिथे अंगलट येऊ शकलं असतं. एक रनच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या 19. पुढचा बॉल या ओव्हरमधला गोलंदाज सचिन. कट केलाय बॉलला खूप सुंदर पद्धतीनं, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. अगदी चांगले कटशॉट आजच्या दिवसात आपल्याला जरूर पाहायला मिळाले. थोडंसं बॉलला जवळ येऊ दिलं, त्यानंतर थोडंसं बॅकलिपला खाली करत असताना एक चांगला कटशॉट तिथे प्ले केला.
ओवर समाप्त झाले नंबर 2 ची, 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त, 19 धावा राफल कवर आहेत। नवीन गोलंदाज मंगेश इलेवन कडनं मंगेश गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करण्याकडे आपल्याला पाहायला मिळतंय। बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी केली जाईल, कुठल्या टप्प्यावर मारा केला जाईल या ओव्हर मध्ये ते पाहण्यालायक जरूर ठरेल। चांगला बॉल फुलर लेंथवर पिच केला, तुमच्याकडे वेग नसला तरी चालेल, तुमच्याकडे कटर कॉम्बिनेशन नसलं तरी चालेल, तुमचा तुमच्या खांद्यावर कंट्रोल असला पाहिजे, तुम्ही बॉल कुठे पिच करता ते महत्वाचं आहे। आणि इथे चांगली पिचिंग होती, फलंदाजाला बंदिस्त करणारी लाईन तिथे आपल्याला जरूर पाहायला मिळाली। मंगेश गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर आहे, पुढचा बॉल अगेन उद्वाष्टीच्या बाहेर रूम दिलाय, त्याचा फायदा घेत असणारा क्षेत्ररक्षकाने चुकी केली आहे, बॉल निघून गेला डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार 4। चौकार आलाय, एक चांगला स्ट्रोक तिथे प्ले करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। पुढचा बॉल ऑन साइडला जोरकस मारायचा होता, बॅटचा फ्लो जर आपण पाहिला तर अगदीच चांगला आहे, व्हाईटचा इशारा आला असला तरी बॅटचा फ्लो खूप वेगवान आहे, बॉल जर स्पर्श करेल तर मग वेगवान स्ट्रोक बुलेट स्ट्रोक आपल्याला त्या बॅटमधनं जरूर पाहायला मिळतील। सध्या बाबू जो मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता आलाय, एक चौकाराबरोबर तो मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय। खोलडपाचा बॉल इथे खोदून काढलाय, खूप चांगल्या पद्धतीने खेळला गेला, मंगेशच्या गोलंदाजीची तारीफ करावी तेवढी कमी आहे, खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे, योग्य टप्पा आणि योग्य लाईन ना गोलंदाजी होत असताना फलंदाजाला बंदिस्त करणारी लाईन आहे। धावसंख्या डाफलकावर 27। 3 चेंडूचा खेळ समाप्ती 21, 3 बॉलचा खेळ या ओव्हर मधला अजूनही शिल्लक आहे। यावेळी चांगला बॉल विकेटच्या मागे निर्धावच्या स्वरूपाने डॉटच्या स्वरूपाने एक मिसफील्डनं चौकार गेलाय, मात्र त्या व्यतिरिक्त गोलंदाजी अप्रतिम तेजी पाहायला मिळाली। 27 धावा दाफलकावर आहेत, ओव्हर नंबर 3 प्रगती पथावर। चांगला बॉल अगेन एक डॉट बॉल निर्धावच्या स्वरूपानं, 5 चेंडूचा खेळ, 5 चेंडू नंतर धावसंख्या पूर्ण शांत 27 या आकड्यावर। शेवटचा बॉल आहे या ओव्हर मधला, अगदी चांगली गोलंदाजी केली या फलंदाजाला बंदिस्त करणारी लाईन वेटीस धरणारी, त्याला गोलंदाजीच्या ट्रॅप मध्ये अडकवणारी गोलंदाजी मंगेश यांच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळतीय। चांगला बॉल अगदी एकदा फुल्लर लेंथवर चेंडूला पिच केला, एक सिंगल मध्ये कन्वर्ट केला जाईल, डबल करता कॉलिंग आणि सुरक्षित 2 धावा मिळतील, 2 ना इथे ओव्हर समाप्त झाली नंबर 3 ची, 3 ओव्हरचा खेळ समाप्ती 29-29। हनुमान पॉइंट आणि मोर्चा ऑलरेडी आपल्याला पुकार दिला गेलाय, दोन्ही संघाचे संघ नायक आपण नाणेफेक करण्याकरता जॉईंट व्हायचं, टीम हनुमान पॉइंट आणि मोर्चा। ऑन साइडला एक चांगला फटका आहे, एक सिंगल मध्ये चेंडू इथे कन्वर्ट केला जाईल,
एक वरच समाधान मानावं लागेल. एक रनच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ होतीये, धावसंख्या 30 या आकड्यावर. शेवटचं षटक, अंतिम षटक प्रकारे भटावर आहे, षटक क्रमांक 4. चांगल्या पद्धतीचा खेळ प्रत्येक टीमला तो दाखवावा लागेल. लाख मोलाची स्पर्धा जव्हार तालुक्यामध्ये खूप कमी प्रमाणात तुम्हाला पाहायला मिळतात. ज्याही लाख मोलाच्या स्पर्धा होतात त्यामधल्या सर्वात मानाच्या सन्मानाच्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही खेळताय तेव्हा प्रत्येक टीम एकच स्वप्न बघून इथ्याला आली आहे की आम्हाला जे टॉप 6 टॉप 7 जे काही आहे त्यामध्ये पोचायचं आहे आणि मग तिथनं एक पारितोषिक आपल्या सोबत घेऊन जायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक टीम आपला 100% एफर्ट लावत खेळ करण्याचा प्रयत्न जरूर करेल. जसा मंगेश इलेव्हनचा संघ सध्या मैदानामध्ये खूप चांगले एफर्ट गोलंदाजीच्या माध्यमातून लावत असताना, हा बीमार नाही बीमार बॉल आहे, एक रन त्यावर जरूर मिळेल. अगदी छातीच्या वर ही बॉल होता, नोचा इशारा आलाय. धावसंख्येत वाढ होतीये, 1+1 पुढे सरकत असताना जाऊन पोचती होती एकंदर 33 या आकड्यावर. आता मात्र रन्स येत आहेत, 4 रन्स अतिरिक्त या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत आलाय. 3 ओव्हर चांगल्या पडल्यात, मात्र शेवटचं षटक काय खर्चिलं आहे, शेवटच्या षटकामध्ये काय इथे अतिरिक्त धावा खर्च केल्या जातील. फटका फसला आहे इथे, बैठकीच्या माध्यमातून स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रामध्ये जसा बैठकीची लावणी प्रसिद्ध आहे तसा क्रिकेटमध्ये बैठकीचा स्ट्रोक त्यालाही खूप महत्व आहे. आणि इथे जर आपण पाहिलं तर तो बैठकीचा स्ट्रोक प्ले करत असताना एक सिंगलमध्येच समाधान मानावं लागलं. धावसंख्या जाऊन पोचतेरी 34, 4 बॉल आहेत, 1-2 मोठ्या फटके आले तर सुस्थितीकडे जाईल धावसंख्या. इथे फटका फसलाय, बॉल हवेमध्ये आहे. खर तर व्हॉट अ कॅच, व्हॉट अ कॅच असं सुरुवातीला वाटलंच नाही की झेल कॅरी होईल. क्षेत्रक्षकाची काय नजर आहे बॉलवर हेही प्रतीत होत नव्हतं, मात्र अंत भला तो सब भला असं म्हटलं जाताना ते इथे एक अप्रतिम असा अंत पाहायला मिळतोय. एक अप्रतिम असा कॅच, विकेट मिळती आहे खेळाडू बाद. नवीन बॅटर किरण मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करण्याकरता दाखल झालाय. बघूया कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल या ओव्हरमध्ये, कशा पद्धतीने रन जोडण्याचा प्रयत्न करेल या ओव्हरमध्ये, कारण अंतिम षटक आहे. स्लॉग ओव्हरचं हे षटक जिथे हाणामारी गरजेची आहे, टीमची ती गरज आहे, कारण 40+ त्याच टोटलवर तुम्ही लढू शकता. ऑन साईडला इथे बॉलला अक्षरशः खोदून काढावं लागलं, फिल्डिंग तेवढीच चांगली, दर्जेदार फिल्डिंग. 2 रन इथे कम्प्लीट झाल्या, या 2 मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ होती. या धावसंख्या पुढे सरकत असताना जाऊन पोचते 36. 4 बॉलचा खेळ झालाय, 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक राहिलाय, उर्वरित 2 बॉल. एक मोठा फटका अतोनात गरजेचा आहे, काय तो खेळला जाईल की रोखला जाईल. सर इथे या मॅच मध्ये निर्णायक ते 2 बॉल असतील. ऑन साईडला फटका चांगलाय, 1 बाउन्स, बॉल ओव्हर द रोप, सीमारेषेला क्लिअर करेल, मिड विकेटच्या क्षेत्रामधनं चेंडू सीमारेखा पार, चौकार 4. चांगला स्ट्रोक यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळाला, खाली क्षेत्राची निवड केली ते महत्वाचं आहे. बिटवीन द गॅप खेळला होता, स्क्वेअर लेग आणि काऊ कॉर्नरच्या मध्यावर एक क्षेत्रक्षक होता आणि त्या दोघांच्या अगदी मधनं बॉल पहिल्या टप्प्याखेरीज सीमारेषेला क्लिअर करतोय, चौकारामध्ये गेलाय. आणि या 4 मदतीनं धावसंख्या वेग धरतीय. पुढे सरकत असताना 40, पूर्वार्धाच्या खेळातील शेवटचा बॉल, तो प्रगतीपथावर येणार आहे. अखो टप्प्याचा खराब चेंडू आणि तिथे त्यावर विकेट मिळतीये. अगदी छोटी गेंद खोटी गेंद असं म्हटलं जातं आणि त्या छोट्या चेंडूवर झेल देऊन माघारी परतलाय बॅटर, विकेट मिळतीये खेळाडू बाद. 40 धावा दाखल कवर, विजयाकरता 41 लक्ष्य. चला मोर्चा आणि टीम हनुमान पॉइंट टॉस करण्याकरता टॉस बॉक्स मध्ये या. हा शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे आपल्याकरता, दोन्ही कॅप्टन मला वाटतं हनुमान पॉइंटचे कॅप्टन इथे आहेत. टीम मोर्चा कॅप्टन
सर्व संघांना आम्ही पुन्हा एकदा या शेवटच्या मॅचच्या अनुषंगाने विनंती करतो की आपली एंट्री फी आपण जमा केलेली नाही आहे, ती जमा करा. आम्हाला मायक्रोफोनवरनं तसं सूचित करायला योग्य वाटत नाही, मात्र तरीही एकदा विनंती करतो की आयोजकांना एंट्री फी खूप महत्त्वाची असते. एवढा मोठा डोलारा उभा करणं, स्पर्धा यशस्वी करणं, त्याकरता एंट्री फी जी आपली आहे ती नॉमिनल आहे. जव्हारमध्ये मी जेव्हाही येतो ना, मी शॉक असतो की इथे एंट्री फी एवढी कमी का घेतली जाते. इथे तर अगदी नॉमिनल एंट्री फी असते आणि ती ही जर पोचली नाही तर मग खूप वाईट परिणाम होतात त्याच्या स्पर्धेवर. त्यामुळे विनंती करतो मी प्रत्येक टीमला की जी काय नॉमिनल एंट्री फी इथे घेतली जाते ती आपण आयोजकांपर्यंत जमा करा. मी नेहमी जेव्हाही जव्हारला येतो ना तेव्हा एंट्री फी बद्दल नेहमीच शॉक असतो की इथे खूप कमी एंट्री फी मध्ये मॅचेस खेळवल्या जातात. आणि हनुमान पॉइंट इथे नाणेफेक जिंकली आणि पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. म्हणजे ही स्पर्धा जरी आपण पाहिली तर याही स्पर्धेमध्ये एरवी लाख रुपयाच्या स्पर्धेमध्ये एक गावला जेवढी एंट्री फी असते इथे ती ओपन करताय. म्हणजे खुल्या गटाच्या टीम आहेत त्यांनाही 8,000 रुपये प्रवेश फी आहे. तो नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है. पहले गेंद को लेकर गेंदबाज यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप पर रही, वहां पर वाइट का इशारा अंपायर की ओर से. वाइट के साथ खाता खुला टीम का. गेंदबाजी के ट्रैक पर प्रसाद आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे. इस ओवर की पहली गेंद अगर हम देखें तो लेग स्टंप पर पिच हुई. फिर से एक दफा उसी क्षेत्र में उसी तरीके का स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं करवा पाए. टप्पा खाने के बाद बिल्कुल विकेटों के ऊपर से होती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर छिप गई, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई. गेंदबाजी यहां पर अच्छा कमबैक देखने मिला क्योंकि पहली गेंद वाइट के तौर पर की थी, उसकी भरपाई यहां पर काफी अच्छी तरीके से कर देते हुए गेंदबाज प्रसाद. सामने दो बल्लेबाज मोइन और उनके साथ सोहेल. मोइन और सोहेल दोनों भाई ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए. अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि जीतने के लिए अगर हम देखें तो 41 रनों का लक्ष्य है. बहुत छोटा नहीं कह सकते हम. 10 रन पर ओवर लड़ने लायक टोटल होती है. 10 रन पर ओवर आप अच्छी बल्लेबाजी कर उस मुकाबले को जीत सकते हो. ये तो बहुत घूम गई, ये बहुत ज्यादा बाहर निकली. अंपायर फिर से एक बार हमसे जुड़ते हुए. इशारा यहां पर वाइट का अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी. स्कोर बोर्ड एक से आगे बढ़कर अब जा पहुंचता हुआ दो पर. पहले ओवर का खेल आरंभ है. अब तक अगर हम देखें तो एक गेंद समाप्त हुई, दो रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. वाइट का इशारा दो बार गेंद लेग स्टंप पर रही और उसी का नतीजा दो एक्स्ट्रा रन. बल्ले का किनारा फ्लाइंग स्लिप की तरफ चली गई गेंद. जब तक वहां पर रोका कोई रन नहीं मिला. बल्लेबाज को बांध कर रखा है जरूर क्योंकि दो गेंदे वाइट के अलावा जो भी अच्छी तरीके से पिचिंग हुई है दोनों भी गेंदे बल्लेबाज को रन नहीं मिले उन पर. तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज प्रसाद लेकिन वाइट उसमें थोड़ा सा सुधार जरूर लाना होगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, दिशा से भटके तो फिर मिलेंगे फटके. आप दिशा से भटकते रहोगे तो फिर ये ओवर अंत में बड़ा बन जाएगा. लेग स्टंप पर वहां पर पिचिंग रही, विकेट कीपर को थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश और एक रन आसानी के साथ मुकबल हुआ. लगता है वहां पर बल्ले का सिरा लिया था लेगबाइज का इशारा. थोड़े से लेट अंपायर हमारे साथ जुड़ते हुए. लेगबाइज के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी यहां पर 3 रन. 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 बने हैं. उड़ाया इस बार बिल्कुल सामने की तरफ, खिलाड़ी वहां पर दर्शक बन जाएंगे. गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, 6 रन. बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक सोहेल के बल्ले से देखने को मिलता हुआ. बिल्कुल सामने की तरफ फोर्स करने की कोशिश थी और काफी खूबसूरत फोर्स दिखा वहां पर. जो बाजू है इनकी बड़े दिख रहे हैं ना, बिल्कुल उनका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था इन्होंने. फिर से एक दफा ऑन साइड में उड़ाने की कोशिश विकेट कीपर, क्या लगी है उनको गेंद. अब वो देखना है वहां पर सेफ है गेंद. वहां पर 1 रन में तकदील हुई. 1 रन के साथ
स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 10 पर, अच्छी शुरुआत 10 रन पर ओवर जीतने के लिए आपको बनाने हैं मंगेश 11। पहले फील्डिंग के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर नजर आती हुई इच्छा पूर्ति के सामने, अच्छे मुकाबले आज दर्शकों को जरूर देखने मिलेंगे। यहां पर जो लोकल टीमें हैं वो खेलती हुई नजर आ रही है। लेग स्टंप पर पिच हुई, फिर से एक बार अंपायर क्या जुड़ जाएंगे, हाँ जुड़ गए, इशारा उनकी ओर से वाइट का अतिरिक्त के साथ, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 11 रन। 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी पिचिंग, उसके बाद गेंद को वहां पर खदेड़ कर निकाला, एक रन आसानी के साथ मुकाबला हुआ। दूसरे की कोशिश, जब तक थ्रो आता 2 रन, काफी तेज विकेटों के बीच ये दौड़ देखने मिली। 2 रन के लिए हिरन बनते हुए बल्लेबाज हमें ग्राउंड के अंदर जरूर नजर आए, बिल्कुल हिरन की तरह दौड़ वहां पर लगाते हुए, और 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी। स्कोर बोर्ड पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान 13-13। वक्त को जाया ना करें, हम सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वक्त को बचाकर गेम को ऑन रखना है। इस ओवर की शुरुआत, नए गेंदबाज गेंदबाजी के ट्रैक पर ओवर करने के लिए यहां पर नए गेंदबाज का नाम हम तक पहुंचाना है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को हम तक भेजना चाहिए आप सभी को। कपिल है गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाजी करने के लिए, देखते किस तरीके से गेंदबाजी होती है यहां पर। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में, अच्छा स्ट्रोक वहां पर, फुल टॉस बनाकर खेला था और काफी शानदार तरीके से खेला है, गेंद वहां पर काफी बढ़िया अंदाज में रोकी भी है। पहले ये विकेट कीपिंग कर रहे थे, उसके बाद अब बाबू वहां पर मिड विकेट में आए हैं और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड 15 रनों पर। 40 का लक्ष्य लेकर ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी करती हुई टीम मंगेश 11, अब तक अच्छा सफर रहा है इनका बल्लेबाजी का, अच्छे तरीके से रन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गुडलेन स्पॉट का सही तरीके से इस्तेमाल किया, वो एक हेड होती है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बिल्कुल ये उस तरीके की गेंद थी, गुडलेन स्पॉट का सही तरीके से इस्तेमाल वहां पर किया और फिर उस गेंद पर विश्वास हुआ, गेंद डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर दिखाते हुए, ये लोअर फुल टॉस थी, हवा में उछाल दिया, ओवर द बॉलर हेड खेला है तो कैच थोड़ा सा मुश्किल है और वो मुश्किल कैच लपकने की कोशिश में छूट गया हाथ से, 2 रन वहां पर मुकम्मल होते हुए, 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब 17 रनों पर। 3 गेंदों के खेल के समाप्ति के बाद 4 रन बने हैं 3 ओवर में, 3 गेंदों में, ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, सोहेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक अगर हम देखें तो अच्छी तरीके से रनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन साइड में ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इस बार सही नतीजा नहीं दे पाए गेंद को, बाबू के हाथों में गेंद को थमा बैठे, वहां पर एक अच्छा कैच कैरी हुआ, विकेट मिली, सफलता मिली, ये पहला झटका टीम मंगेश 11 को, बल्लेबाज सोहेल पवेलियन का रास्ता नापते हुए। एक 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए, अब आने वाली यहां से 14 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत, 14 गेंदे 23 रन, तो मैच बिल्कुल बराबरी पर 50-50 बैलेंस स्थिति में नजर आता हुआ। अगर आप मैच को जल्द से जल्द खत्म ना करते हो तो फिर आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी और इसके बाद जो मुकाबले हो गए, चिराग मेहर के हम ऑन स्क्रीन टाइमिंग दिखा सकते हैं,
इस ओवर की अगली गेंद वहां पर कट करने की कोशिश की, बिल्कुल सही अंदाज में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ रुक करती हुई, रोकना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अंत भला तो सब भला, बिल्कुल वो वहां पर देखने मिला। काफी खूबसूरत अंदाज में वहां पर गेंद को रोक दिया और रन बचाए अपनी टीम के लिए। दो रन वहां पर मुकबल हुए, तीन रन मुकबल हुए, तीन रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब जा पहुंचता हुआ 20 रनों पर। ये बिल्कुल सही तरीके से खेला इस गेंद को, वहां पर खिलाड़ी है लेकिन एक रन वहां पर आसानी से मिलेगा। अच्छा कॉलिंग वहां पर, क्योंकि यहां पर दूसरे रन की कोशिश कठिनाइयों में जरूर डाल सकते थे, तो एक से ही संतुष्ट बने। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 21 पर। आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 19 चाहिए, जल्द से जल्द नए गेंदबाज, आपको गेंदबाजी के ट्रैक पर आना। इसके बाद जो मुकाबले होंगे, पहली गेंद गिरने के बाद ऑन स्क्रीन आपको एक घड़ी नजर आएगी, वो घड़ी की टिकटिकी 15 मिनट तक चलेगी। 15 मिनट तक आपके तीन ओवर अगर खत्म नहीं होते तो फिर उसके बाद 12 गेंदें 19 चाहिए, 21 बने हैं, 12 मध्ये 21 पाहिजे, 12 मध्ये 19 पाहिजे, 21 झालं, 42 विन आहे ना, 41 विन आहे, 20 पाहिजे, 12 में 20, 12 गेंदे 20 रन। इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाज बाबू है ना, बाबू, देखते किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से यहां पर गेंदों को पीच करते हैं। अहम ओवर है, अगले ओवर में कितना प्रेशर रहेगा, आखिरी के ओवर में कितने रन चाहिए रहेंगे, ये सब इसी ओवर में पता चलेगा। इस बार अलोंग द कार्पेट जब तक गेंद को उठाया, एक रन वहां पर मुकबल हुआ और विकेट यहां पर सैक्रिफाइस होते हुए, क्योंकि दूसरा रन यहां पर नहीं बन रहा था तो वहां पर जानबूझकर वो रन लेने की कोशिश मोइन ने की वहां पर, और विजय पवेलियन में वापस लौटते हुए नजर आ रहे, सफलता मिली, विजय बैक टू द डगआउट। नहीं गेंद बल्लेबाज, आपको जल्द से जल्द जाना है, हम इसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से, वक्त बचे अंत के मुकाबले कम ओवर के ना करने पड़े, बल्लेबाजों से इसी के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपने क्रीज तक पहुंचे, अगर यहां से लेट करोगे फिर अंत में कम ओवर के मुकाबले खेलने पड़ेंगे। नहीं बल्लेबाज अमित बल्लेबाजी के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए, अमित देखते किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे बाबू अपने ओवर की ये दूसरी गेंद लेकर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर अपील हुई थी, एक रन तो मिला दूसरे के लिए, अब मुड़ेंगे, एक एक मिला है यहां पर, भाईज का इशारा, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड एक से आगे बढ़कर अब 23-23 पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर आपको नजर आता हुआ, तीसरे ओवर की अब तक दो गेंदें समाप्त हुई और बाबू ने शांत रखा है काफी हद तक बल्लेबाजों को। इस बार बिल्कुल जड़ में शानदार तरीके से राइट ऑन द टारगेट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल यह उस तरीके की गेंद थी और क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर बाबू की ओर से नजर आती हुई, मानो कोई फाइटर जेट प्लेन हो और उसने अपना टाइगर टारगेट सेट कर बमबारी की हो, बिल्कुल उसी तरीके से यह गेंद थी, बिल्कुल अपने टारगेट पर विकेटों पर जाकर लगी। तीन गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 23 रनों पर रुका हुआ और एक विकेट का पतन। आने वाली 9 गेंदें जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, अब जो इक्वेशन है वो चेंज होता हुआ, जो औसत है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाली 3 गेंदें
इस ओवर की आखिरी तीन गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर इन तीन गेंदों में 6 से 7 रन आप बना पाओगे तो फिर इस मैच में वो अच्छा कमबैक कहा जा सकता है। यहाँ पर आते ही एक इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह खेलने की कोशिश की। 22 के तौर पर मिला है, कैसे मिला है, किस तरीके से मिला है, किस ढंग से मिला है, ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पर रन जरूरी है। तो एक रन वहां पर जुड़ता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी, स्कोर बोर्ड 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। फुल टॉस थी और उसे फुल टोल राइट दे दी है, गेंद को भेज दिया बिल्कुल बुलेट ट्रेन के साथ सीमा रेखा पार, 6 रन। काफी अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखने मिला, बेहतरीन तरीके से गेंद को 6 रनों में वहां पर तब्दील किया। इन्हीं 6 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड 30 रनों पर जा पहुंचता हुआ। आखिरी की गेंद, अच्छी गेंदबाजी, मैच बॉल रिटर्न आई है वहां पर। अगला ओवर उसी के साथ शुरू किया जाएगा। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 30, आने वाले आखिरी की 6 गेंदें, जीतने के लिए रन चाहिए 11, 6 में 11 चाहिए, क्या बनेंगे या फिर रोके जाएंगे। बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज है ग्राउंड के अंदर, मोइन के साथ किशोर है। गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाजी करने के लिए यहां पर नजर आते हुए आखिरी के ओवर के लिए प्रवीण, जो आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के ट्रैक पर आते हुए देखते हैं प्रवीण किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर की पहली गेंद, हाँ ये तो बहुत दूर कर बैठे, ये तो ऐसा लग रहा था कि गेंद डर गई बल्लेबाज से, बहुत ज्यादा दूर भाग गई वो। एक रन वहां पर मुकबल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 31 पर, अब 10 चाहिए 6 में, 6 गेंदे 10 रन। प्रवीण गेंदबाजी के ट्रैक पर, किशोर स्ट्राइक रेंज पर, ये तो एक ही दिशा में खेलना चाह रहे हैं, ये एक ही दिशा में वहां पर रन बटोरना चाह रहे हैं। और व्हाइट का इशारा, 1+1 टोटल 2, 2 के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 33 पर, 33 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। अभी भी आखिरी की 6 गेंदे शेष और 6 में जीतने के लिए चाहिए 8। और यहां पर एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, मोइन को वापस लौटना पड़ेगा। अब 5 गेंदे 8 रनों की जरूरत, आने वाली 5 गेंदे 8 चाहिए। नए बल्लेबाज सचिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दूसरे ओवर में आए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, एक विकेट, एक सफलता इन्होंने हासिल की थी। यहां पर 8 रन चाहिए, क्या सचिन यहां से यह 8 रन बनाएंगे या फिर इनको रोका जाएगा। प्रवीण है गेंदबाजी के ट्रैक पर, देखते किस तरीके से गेंदबाजी होगी इस ओवर की अगली गेंद। ये तो वाइट से ही दे देंगे कि क्या ये, ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने इस ओवर की अब तक की ये तीसरी एक्स्ट्रा गेंद फेंकी है, 3 वाइट किए इन्होंने। पहले ही आपके पास गरीबी है और उसमें आप आटा गीला कर रहे हो, फिर भूखे सोना पड़ेगा। इस ओवर की अगली गेंद, फिर से एक दफा उसी क्षेत्र में उसी लाइन के साथ वाइट, अंपायर भी थक गए घूमते घूमते, 4 दफा घूमना घूमना पड़ा एक ही ओवर में।
चार वाइड्स एक बाइट्स, 5 रन बने हैं एक्स्ट्रा में। अब जीतने के लिए 6 चाहिए और एक और एक और एक वाइड। ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो 5 बचे हैं वो भी इसी तरीके से बनेंगे। 6 एक्स्ट्रा जब 11 की जरूरत हो, अब 5 गेंदे 5 की जरूरत। और इस बार गेंद हवा में है, वहां पर क्या कैच लपक लिया जाएगा, और लपक लिया। अब आने वाली गेंदे शेष है 4 और 4 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 5। चार गेंदे 5 रन इस मैच का आने वाला जो हाल है, क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा। वहां पर मैच बिल्कुल बना हुआ, बिल्कुल स्टिल ऑन है, क्योंकि अगर यहां पर वाइट गेंदे की है तो फिर अच्छी भी की है। वाइट से 6 रन जरूर मिले हैं, लेकिन 2 अच्छी गेंदे, उन पर एक डॉट, 2 विकेट आने हैं, 2 विकेट्स है, मतलब 2 गेंदों में 2 विकेट्स मिले हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा। 4 गेंदे 5 रन। और एक वाइट, और एक वाइट। अब पीछे वाले भी कह रहे हैं कि अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। वाइट के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर 37 पर, 4 चाहिए। और ये रिवर्स के माध्यम में खेलना पसंद कर रहे थे, 1 रन वहां पर मुकबल होता हुआ 1 रन के साथ 38। अब 3 चाहिए आने वाली गेंदे शेष है 3। मैच अगर टाई हो गई तो फिर सुपर ओवर। 3 गेंदे 3 रन। ये विकेट के पीछे, वहां पर कैच को लपक लिया। अब 2 में 3 चाहिए, 2 गेंदे 3 रन। बहुत बड़ा ओवर है ये, शायद इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा ओवर माना जाएगा। 6 वाइड गेंदे हैं, 6 वाइड। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए, बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज गणेश। अब आने वाली 2 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 3। 2 में 3 चाहिए, क्या बनेंगे या फिर रोके जाएंगे। वाइड की है भले ही, 6 वाइड की है, लेकिन 2 अच्छी गेंदों को डालकर यहां पर जीता भी सकते हैं। कट किया, बाकी काफी शानदार तरीके से 1 रन। अब 1 में 2 चाहिए, 1 गेंद 2 रन, 1 बना तो सुपर ओवर। एक गेंद 2 रन, क्या सुपर ओवर देखने मिलेगा यहां पर। इस प्रतियोगिता का यह पहला सुपर ओवर रहेगा, या फिर 2 बनेंगे या फिर डॉट। इस ओवर की आखिरी गेंद, क्या होगा इस मुकाबले में, कौन जीतेगा। जो वाइट डाले थे ना, उसी का परिणाम है ये। 1 गेंद 2 की जरूरत, 1 यहां पर सफलता और विकेट मिली, जीत लिया इस मुकाबले को। ये जो बल्लेबाज है एक ही दिशा में बल्लेबाजी कर रहे थे, सिर्फ लेग स्टंप के ऊपर घुमा रहे थे तो रन नहीं मिले। चला जल्द से जल्द यहां पर फील्ड को सजाना है नेक्स्ट मैच के लिए। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच,